नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिंद स्काई में और मैं हूं पिनाकिन पटेल। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का विषय है मणिबेन पटेल की जीवनी। जी हां दोस्तों, सही पहचान आपने, हमारे स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र भारत के प्रथम नायब वड़ा प्रधान और गृह मंत्री, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दो संतानें थी, एक मणिबेन और दूसरे डाया भाई। मणिबेन का जन्म 3 अप्रैल सन 1903 भारत के गुजरात राज्य के करमसद गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल और झवेरबेन के घर हुआ था। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में अपनी माता झवेरबेन को खो दिया था। अपने चाचा विठल भाई पटेल ने उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया। मणिबेन का प्राथमिक शिक्षण मुंबई स्थित अंग्रेजी माध्यम की क्वीन मैरी हाई स्कूल में पूर्ण हुआ था। सन 1920 में मणिबेन अहमदाबाद आई और महात्मा गांधी स्थापित गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि अपने बापू की मदद और सेवा का प्रण लेकर भारत के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई कोई सेक्रेटरी नहीं रखते थे, न कोई सेवक। मणिबेन दोनों ही जगहों को बर दिया करते थे। अपनी माँ की कमी का कभी भी अपने बापू को एहसास नहीं करने दिया था उन्होंने। अपनी निजी जिंदगी को छोड़ वो देश सेवा और देश सेवा करने वाले अपने बापू सरदार की सेवा में लग चुकी थी। उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी कभी नहीं सोचा। सन 1923-24 में हुई गुजरात की बोरसद मूवमेंट से मणिबेन भारत के स्वातंत्र संग्राम से जुड़ गई थी। भारी कर वसूलात के लिए अंग्रेज सरकार लोगों के पशु जमीन और मिल्कियत जब्त करके छीन लेने लगी थी। तब सरदार और गांधी जी को अपना सहकार देके मणिबेन ने औरतों को भी आंदोलन में अपनी प्रेरणा से जोड़ दिया था। फिर भी जब बहुत साल बाद मणिबेन से अपनी माता झवेरबेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके बारे में उनके पिताजी ने कभी कुछ भी उनको नहीं बताया, यहाँ तक कि उनकी माँ की कोई तस्वीर भी उन्हें उपलब्ध नहीं है, जिससे वो संपूर्ण वंचित रही थी। सन 1928 में किसानों पर डाले गए कमर तोड़ कर के विरुद्ध में सरदार के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बारडोली सत्याग्रह हुआ। तब स्त्रियों में बहुत संकोच हुआ करता था। स्त्रियां अपने घर की चार दीवारों से बाहर नहीं निकल सकती थी। मणिबेन ने उनको जागरूक किया और उनकी प्रेरणा से इस सत्याग्रह में पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी। फिर से सन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह के अंतर्गत हुई दांडी यात्रा में मणिबेन की खास भूमिका रही। सन 1942 के हिंद छोड़ो आंदोलन में मणिबेन ने अपने पिता सरदार वल्लभ भाई और महात्मा गांधी को खूब साथ दिया। हिंद छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र की यरवड़ा जेल में भी भेज दिया था। सन 1930 से लेकर सन 1950 की 15 दिसंबर यानी कि सरदार की मृत्यु तक मणिबेन अपने पिता की खूब सेवा करती रही। 15 अगस्त सन 1947 भारत के आज़ाद होने के दिन से पहले और बाद के सरदार के सामने आए हर संकट और परेशानी की वो एकमात्र अंगत साक्षी रही है। उन्होंने 8 जून 1936 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक की एक डायरी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरदार के बारे में कई ऐसे ऐतिहासिक और भावात्मक सत्यों और समस्याओं को उजागर किए हैं जो खुद सरदार ने कभी किसी निजी मित्रों के साथ या अपने सहकार्यकर्ताओं के साथ शेयर नहीं किए।
मणिबेन खुद अपने और अपने पिता के कपड़े खादी में से ही बनाती थी। वो थर्ड क्लास से ही मुसाफरी करने का आग्रह रखती थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम नायब वड़ा प्रधान और अखंड भारत के शिल्पी सरदार की बेटी, भारत की बेटी, महज एक पुरानी खादी की साड़ी जिसके पर थिंगड़े लगे हुए होते थे उसे पहनने में कोई परहेज नहीं करती थी। सरदार की मृत्यु के बाद उनकी वारसागत मिल्कियत मणिबेन को सौंपी गई, जिसमें महज 2-3 लोहे के ट्रंक, 2-4 जोड़ कपड़े और सरदार के बैंक खाते में जमा 237 रुपयों के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद भी मणिबेन ने देश सेवा को नहीं छोड़ा था। आज़ादी के बाद गुजरात प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की वो वाइस प्रेसिडेंट रही थी। बाद में स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेतृत्व की गई पहली लोकसभा सन 1952 से 1957 में वो साउथ केरा बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। बाद में सन 1957 से 1964 की दूसरी लोकसभा में भी वो आनंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। सन 1964 से 1970 तक वो राज्यसभा की सभ्य चूंटी गई। इस दौरान सब कुछ बदल गया था, नहीं बदली थी तो उनकी जीवन शैली और उनके विचार। दोस्तों, अभी भी उन्होंने अन्याय के सामने लड़ना नहीं छोड़ा था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई को छोड़ वो मुरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस ओ में जुड़ चुकी थी। सन 1975 में जब तत्कालीन वड़ा प्रधान इंदिरा गांधी ने बंधारण के आर्टिकल 352 के अंतर्गत भारत में इमरजेंसी ला दी थी, तब भी मणिबेन ने उनका विरोध किया था। इस इमरजेंसी के विरोध के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिर सन 1977 में उन्होंने जनता पार्टी से टिकट लेकर महसाना लोकसभा से चुनाव जीत लिया था। दोस्तों, इन सब के बाद भी मणिबेन कई चैरिटेबल ट्रस्टों के साथ जुड़ी रही। सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्ट के साथ भी उनका बहुत जुड़ाव रहा, मगर अब उनकी उम्र हो चली थी। उन्होंने अपने देश के सिवा किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगाया था, यहाँ तक कि उनके पास रहने का अपना खुद का घर भी नहीं था। अभी भी वो रिक्शा में चल रही थी। वो पुरानी साड़ी, पुराने चश्मे के सहारे आज भी जीवन गुजार रही थी और आखिर अपने पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी विरासत वो अपने साथ समेटे हुए इस दुनिया को सन 1990 में अलविदा कह गई। दोस्तों, मणिबेन को अपनी देश सेवा, पितृ सेवा और समाज सेवा के नाम पर हमेशा याद किया जाएगा। शायद ही किसी देश को या किसी कुटुंब को या किसी पिता या माता को ऐसी बेटी प्राप्त हो सकती है। मगर हाँ दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखिए कि बेटियाँ ऐसी ही होती है, उनकी कदर करें।